better day. What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. गर्मियों का मौसम है और आम का सीज़न है और आम से हर साल मैं कुछ ना कुछ रेसिपीज़ बनाता हूँ आप सबके लिए। तो आज इस सीज़न की पहले आम की रेसिपी आ रही है जो है मैंगो फलूदा। बहुत ही टेस्टी मैंगो फलूदा बनता है ये वाली रेसिपी के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो ये बताने वाला हूँ कि घर पे जो फलूदे का सेव होता है, जो नूडल्स होते हैं, वर्मिसली जिसे कहा जाता है, वो कैसे बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच घर पे एकदम आसान तरीके से, उसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और फिर एकदम आसान तरीके से मैंगो फलूदा असेंबल कैसे किया जाता है घर पे, वो आपको बताने वाला हूँ। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से मंगाए हैं, जो स्विगी ऐप पर अवेलेबल है। इसकी खास बात यह है कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ग्रॉसरीज ऑर्डर कर सकते हैं और ये कुछ ही मिनटों में आपके घर पर डिलीवर हो जाती है। अब मैंगो सीजन चल रहा है और स्विगी इंस्टामार्ट पे बहुत सारे वैरायटी के आम अवेलेबल हैं, जैसे चौसा, तोतापुरी, अल्फांसो। तो आप घर बैठे बैठे अब हिंदुस्तान के हर कोने का आम का मज़ा ले सकते हैं और ये सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक डिलीवर करते हैं। अब मेरे दो इंग्रेडिएंट्स फटाफट डिलीवर हो गए हैं स्विगी इंस्टामार्ट से। सबसे पहले फलूदे का जो सेव होता है, जिसको वर्मिसली कहा जाता है, वो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो फलूदे की सेव बनाने के लिए एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ। एक आइस बाग तैयार करना है। एक बोल के अंदर पानी और ढेर सारी बर्फ डाल दीजिए और एक ठंडा पानी का सेटअप तैयार कर लीजिए। इसमें हम फलूदे को सेट करेंगे। फलूदे को शेप देने के लिए मैं यहाँ पर एक चकली मेकर, जिसमें सेव, चकली वगैरह, मुरुक्कू वगैरह बनाया जाता है, वो यूज़ कर रहा हूँ। इसका सबसे जो पतला वाला ये सेव वाला साँचा होता है, ये लगा दीजिए अटैचमेंट को और उसे यूज़ कीजिए। अगर ये आपके पास अटैचमेंट नहीं है या ये इक्विपमेंट नहीं है, तो एक पाइपिंग बैग में एक छोटा सा होल करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको खाली मिटेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ओवन मिटेंस का, क्योंकि ये मिक्सचर जो है वो बहुत गर्म होता है। और पाइपिंग बैग भी कपड़े वाला यूज़ करना पड़ेगा, प्लास्टिक पाइपिंग बैग आप यूज़ नहीं कर सकते। अब फलूदे का जो मिक्सचर है उसको तैयार कर लेते हैं। एक बोल के अंदर 1 कप कॉर्नफ्लावर ले लिया है, साथ ही में 2.5 कप पानी ऐड करना है। लेकिन 2.5 कप में से पहले 1 कप ही पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करके अच्छे से विस्क यूज़ करके इसको मिला लीजिए। लम्स जो हैं बनने नहीं चाहिए कॉर्नफ्लावर के, इसलिए पहले 1 कप ही पानी ऐड कीजिए। एक बार आपका जो मिक्सर अच्छे से मिक्स हो जाए, बाकी का 1.5 कप पानी इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक लम्प फ्री मिक्सर तैयार कर लीजिए। अब इस कॉर्नफ्लावर के मिक्सर को हमें पकाना है, तो एक नॉनस्टिक पैन में इस मिक्सचर को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब एकदम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको एकदम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इस मिक्सचर को पकाना है, जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थिक नहीं हो जाए और ये मिक्सचर ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए और इसको कुक कीजिए। एक विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इस प्रोसेस को करना थोड़ा आसान हो जाता है। लगभग 4 से 5 मिनट आपको लग जाएंगे इस मिक्सचर को पकाने में। बहुत जल्दी से मत पकाइए, अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो लम्ब्स पड़ जाएंगे, गट्ठे पड़ जाएंगे, और अगर कंटिन्यूसली स्टर नहीं भी करेंगे तो भी गट्ठे पड़ जाएंगे। अब आप देख सकते हो मैंने 4 से 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए इस मिक्सचर को पका लिया है। ये मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो चुका है और ट्रांसलूसेंट हो चुका है। इस स्टेज तक आपको इस मिक्सचर को पकाना है। अब इस मिक्सचर को आपको गरम गरम ही मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करना है। एक कपड़े से मोल्ड को पकड़ लीजिए तो आपके हाथ जो हैं वो जलेंगे नहीं। गरम गरम ही मिक्सचर को अंदर डालिए और अभी आपको इसको शेप करना है। आपको बस पानी के लेवल के ऊपर इस मोल्ड को पकड़ना है और धीरे धीरे से इसको चला देना है। नूडल्स जो हैं, जो सेव है, वो पानी के अंदर जाएंगे और इमिजिएटली सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से चलाते रहिए मोल्ड को, बोल में ऐसे ग्राउंड राउंड घुमाते हुए सारी जो सेव है उसको शेप कर लीजिए और जैसे ये पानी के अंदर जाएगी ये सेट हो जाएगी। एक बार आपने शेप कर लिया है फलूदे के सेव को, कम से कम आधे घंटे तक आपको ये बर्फ़ के पानी के अंदर ही इन सेव को रहने देना है। फ्रिज के अंदर इस बोल को रख सकते हैं ताकि अच्छे से ये सेव जो है सेट हो जाए। अब आप देख सकते हो रेस्ट करने के बाद फलूदे की जो सेव एकदम परफेक्टली बनी है और होममेड फलूदे की सेव आप इस तरीके से एकदम इजीली फटाफट घर पर बना सकते हो। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप बाहर से भी पैकेट खरीद के ला सकते हो फलूदा का और बना सकते हो। आगे की असेंबली का प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जा भिगो रहा हूँ यहाँ पर, तो एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून सब्जा ऐड कर दीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए खूब सारा और 5 मिनट के लिए आपको सब्जी को जो है भिगो लेना है और ये अच्छे से फूल जाएगा। सब्जा जो है बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, एकदम ठंडक पहुंचाता है बॉडी को, इसलिए फलूदे में सब्जा डालते ही डालते हैं।
तो आप देख सकते हो 5 मिनट के बाद सब्जा अच्छे से फूल चुका है और रेडी हो गया है फलूदे में यूज़ करने के लिए। अब एक मैंगो फ्लेवर्ड दूध तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मैंने 4 आम का फ्लैश जो है वो ऐड कर दिया है। अब इस आम को मैं अच्छे से पीस कर एक प्योरे तैयार कर रहा हूँ, तो अच्छे से पीस लीजिए आम को। अब आप देख सकते हो मैंने एक आम की प्योरे बना ली है, इसमें से आधा कप जितनी प्यूरी मैं निकाल रहा हूँ साइड पे जो असेंबली में यूज़ करने वाला हूँ। बाकी के पल्प के साथ मैं एक मैंगो फ्लेवर्ड दूध तैयार कर रहा हूँ, तो बाकी के प्योरे में 250 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दीजिए और साथ ही में 1 लीटर दूध ऐड कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्सी में पीस लीजिए और एक रिच मैंगो फ्लेवर्ड मिल्क तैयार कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्सी में मैंगो फ्लेवर्ड मिल्क बना लिया है, इसे आप एकदम चिल्ड कर दीजिए और फिर आप फलूदे में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फलूदे के सेव रेडी हो गए हैं, मैंगो फ्लेवर्ड मिल्क रेडी हो गया है, सब्जा भी मैंने भिगो लिया है, साथ में मैंगो प्योरे भी रेडी हो गई है। इसके अलावा मैं वनीला आइसक्रीम यूज़ करने वाला हूँ, जिसकी जगह पर आप मैंगो आइसक्रीम या कुल्फ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं थोड़े नट्स इस्तेमाल करने वाला हूँ, रोज़ सिरप इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब जो मैंगो फ्लेवर्ड मिल्क है उसकी जगह पर अगर और इसे रिच बनाना है तो आप रबड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ। तो अलग अलग तरीके होते हैं फलूदे बनाने के, मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ और अभी देख लेते हैं और असेंबल कर लेते हैं मैंगो फलूदा वाईएफएल स्टाइल। मैंगो फलूदा हमारा बहुत ही टेस्टी बना है और ये गर्मी के मौसम में ये ठंडा ठंडा मैंगो का फलूदा खाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही आता है। और इस मैंगो सीजन में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। फलूदे के सेव तो मैंने बता ही दिए, तो मैंगो सीजन के बाद भी आप बहुत किस्म के जैसे रोज़ फलूदा, ड्राई फ्रूट फलूदा, ये सब बना सकते हैं और हर फ्रूट के सीज़न में ऐसे फलूदा बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्विगी इंस्टामार्ट पे बहुत सारे किस्म के, बहुत सारे वैरायटीज़ के आम अवेलेबल हैं, तो आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कीजिए, कुछ ही मिनट्स में आपको डिलीवर हो जाएंगे। ऑर्डर फ्रॉम स्विगी इंस्टामार्ट राइट नाउ एंड यूज़ माई प्रोमो कोड IAMYFL टू गेट ₹70 ऑफ ऑन ऑर्डर्स ओवर ₹199 ऑन योर फर्स्ट परचेज। लिंक इज मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। Have an amazing time with this beautiful mango falooza recipe at your home. Cheers.